भाई ये देखो यार, तुंगारेश्वर का ये गेट रहा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये गेट रहा तुंगारेश्वर का भाई। और ये देखो बस लगी है, वसई विरार और ये सब। और हम दिखा रहे हैं भाई, ये देखो राइडिंग पे बंदा जा रहा है, मगर क्यों। और इधर देखो बहुत भीड़ है यार, बहुत ज्यादा ही पब्लिक है। अंदर बाइक अलाउड नहीं है, और पार्किंग में बाइक लगा के यहाँ से एंट्री करना। और गाइस अभी देख रहे हो, मैं तुंगारेश्वर आ चुका हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। एक्चुअली देखो यार, मंदिर दिखाता हूँ आपको, गेट रहा। ये गेट है तुंगारेश्वर का। और भाई आपको ऐसे पब्लिक का भीड़ दिखाऊंगा, ये देखो पब्लिक, देखो भाई कितनी पब्लिक है। और हम लोग तुंगारेश्वर में जा चुके हैं, और ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं आपको, और अपने फ्रेंड लोगों से मिला। हाय गाइस, अभी ये देखो अपना कृष्णा भी आ गया और रोहित भी आ गया, और हम दो तीनों लोग। और ये देखो तुंगारेश्वर का गेट यार, पीछे बैकग्राउंड में गेट नहीं दिख रहा क्या? मैं नहीं मानता। अभी क्रॉस होने वाले हैं, देखो बैकग्राउंड में मेरा गेट दिख रहा है। और ये बैकग्राउंड में देख रहे हो ना भाई, कैसी पब्लिक है, कचरे की माफी पब्लिक। ये देखो गेट, पूरा गेट आपको, हाँ देखो अभी देखो तुंगारेश्वर का गेट है मेरे पीछे, और ये महादेव के नाम से जाना जाता है। और बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और ये यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा भाई। बस यही स्थित है। और अगर आप नहीं आए तो आप ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो, मतलब अभी मतलब आने की सोच रहे हो, तो तुंगारेश्वर तो आ सकते हो। अरे ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हो जो लोग।